हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षिला लर्निंग। आज का जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है, अब हम वो डिस्कस करेंगे सेशन में। हम उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उस वर्ड के साइनोनिम्स एज वेल एज एंटोनिम्स देखेंगे, साथ ही साथ उस वर्ड की यूजेज देखेंगे। सो डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे। सो आज का जो हमारा वर्ड है वो है इनकम्बेंट। तो देखिए, इनकम्बेंट का मीनिंग क्या है? पर्सन हु इज होल्डिंग एन ऑफिशियल पोस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम या इन पावर। देखिए, अगर कोई सपोज करो मैं कहूँ कोई प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, इस टाइम पे उसके पास एक ऑफिशियल पोस्ट है, वो पावर में है, तो उसे हम कहेंगे इनकम्बेंट। सिमिलरली प्रेजेंट गवर्नर हो गए, या अगर मैं कहूँ कोई कमिश्नर है इस टाइम पे, क्योंकि वो इस टाइम पे उसके पास ऑफिशियल पोस्ट है, तो उसे हम कहते हैं इनकम्बेंट। तो अब बात कर लेते हैं साइनोनिम्स की जो सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहला है बियरर, देन ऑक्यूपेंट। अगर कोई पर्सन के पास कोई पोजिशन है, वो ऑक्यूपाई कर रखी है उसने, तो सेम वो भी एक इसका साइनोनिम हो गया। देन ऑफिस बियरर, इस टाइम पे उसका एक प्रेजेंट कोई ऑफिस है जो संभाल रहा है। देन फंक्शनरी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस को संभालने वाले पर्सन को हम फंक्शनरी कहते हैं, यानी उसके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट है इस टाइम पे। देन रीनिंग, यानी कोई पर्सन जो पावर में होता है, तो उसे हम कहते हैं रीन, यानी वो पावर में है। अब बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट जो मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे सबसे पहला इलेक्टिव, देन ऑप्शनल या वॉलंटरी। यानी कि अगर कोई पर्सन इस टाइम पे उसका कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, वो कुछ पावर में नहीं है, तो ये सभी देखिए इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे इलेक्टिव, ऑप्शनल, देन वॉलंटरी। तो देखिए, इस तरीके से हमने बात की। देन बात करते हैं इसके यूजेज की, कि अब हम इनकम्बेंट को यूज कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में। तो देख लेते हैं एक स्टेटमेंट, आफ्टर 30 इयर्स इन ऑफिस द इनकम्बेंट ब्यूरोक्रेट इज फाइनली रिटायरिंग फ्रॉम हिज सर्विस। तो देखिए, 30 इयर्स ऑफिस में सर्विस देने के बाद द इनकम्बेंट ब्यूरोक्रेट, यानी कि जो प्रेजेंट इस टाइम पे वो ब्यूरोक्रेट है, लेकिन वो फाइनली अब रिटायर हो रहा है। यानी कि अभी तक तो उसके पास ऑफिशियल पोस्ट है, बट अब वो कुछ टाइम में रिटायर होने वाला है अपनी सर्विस से। तो देखिए, इस तरीके से हमने इनकम्बेंट वर्ड को यूज किया, और इसी पैटर्न पे और वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपको इस सेशन पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है ऑफिशियल तक्षिला लर्निंग, उसको सब्सक्राइब कीजिए। So thanks a lot friends for watching this session. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.